नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर बिंद अपने YouTube चैनल सी एस टेक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही खास जानकारी देने जा रहा हूं कि आप लोग अपने राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करेंगे, और अपना नाम चेक करने के बाद आप कैसे पता करेंगे कि हमारा राशन आ रहा है कि नहीं। ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। आप लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, और बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन कोई ना कोई नई वीडियो अपलोड करता रहता हूं, और इसकी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप लोग मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को सबसे पहले मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपका राशन कार्ड बना है कि नहीं। अगर बना है तो आपके नाम से राशन आ रहा है कि नहीं, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो मित्रों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आपके गांव में कितने राशन कार्ड बन चुके हैं, और क्या जितने राशन कार्ड बने हैं सबको राशन मिल रहा है कि नहीं। ये सारी जानकारी आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से पाएंगे। साथियों, क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि आप जब कोटेदार के यहाँ राशन लेने जाते हैं तो वहाँ कुछ लोग ऐसे भी पहुँच जाते हैं कि वहाँ की लिस्ट में उनका नाम नहीं रहता है, लेकिन नेट पर देखते हैं तो उनका नाम रहता है। तो कोटेदार वहाँ उनको ये कहकर वापस कर देता है कि हमारी लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपको राशन नहीं मिलेगा। तो क्या ये सत्य है कि उनके नाम से राशन नहीं आ रहा है? तो साथियों, ये चीज़ आज आप लोग जान लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि नेट पर जितने लोगों का नाम है, राशन कार्ड की लिस्ट में जितने लोगों का नाम है, सबका राशन कोटेदार के यहाँ आता है। अब कोटेदार के यहाँ वो कौन सी लिस्ट होती है, उसमें अगर आपके गांव में 200 कार्ड हैं नेट पे और आप जाएंगे कोटेदार के यहाँ, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 150 लोगों का नाम रहेगा। अब सोचिए वो लिस्ट कहाँ से आती है। आप अगर पूरे नेट पे खोजेंगे तो वो लिस्ट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आज वो पूरी लिस्ट आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि कितने कार्ड हैं, कितने लोगों का राशन कोटेदार के यहाँ आता है। सारी सच्चाई मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हम जाएंगे fcs.up.nic.in के माध्यम से हम खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे जाएंगे, और आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस समय आपूर्ति विभाग के खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पे इस समय मैं हूँ। तो साथियों, आप लोग जब यहाँ पहुँच आएंगे fcs.up.nic.in के माध्यम से, आप उस पर क्लिक करके आप जब यहाँ इस वेबसाइट पे पहुँच आएंगे तो सबसे पहले आप अपना नाम चेक कर लें कि राशन कार्ड की लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं, या आप ये चेक कर लीजिए कि हमारे गांव में कितने राशन कार्ड बने हैं। तो साथियों, मैं बता दूं, देखिए मैं अपने गांव का जिसे आप लोगों को दिखा रहा हूं, यहां दिया है कि पात्र गृहस्थी में 544 कार्ड हमारे गाँव में बन चुके हैं, और अंत्योदय में 35 कार्ड बने हैं। ठीक है,
अब मैं जैसे ये लिस्ट मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए ये पात्र गृहस्थी में कुल 544 कार्ड बने हैं हमारे गांव में। लेकिन क्या होता है कि यहाँ देखिए 544 दिया है कि वहाँ जब लोग राशन लेने जाते हैं तो वहाँ की लिस्ट में इतने लोगों का राशन हमारे यहाँ आता है। तो ये सच्चाई आप अभी देखेंगे कि क्या वास्तव में जो लिस्ट कोटेदार के यहाँ आती है उतने लोगों का राशन आता है। तो आप लोग पहले ये देख लेंगे कितने लिस्ट में कितने लोगों का नाम है, कितना राशन कार्ड बना है। तो मित्रों अब मैं बता दूं कि आप कैसे चेक करेंगे कि कितने लोगों का राशन आपके गांव में आता है, कितना राशन आता है। तो दोस्तों राशन कार्ड की लिस्ट देखने के बाद आप इस पोर्टल पर जब आ जाएंगे तो इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसके बाद यहाँ देखिए कुछ लिंक दिए गए हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए लिखा गया आवंटन उठान रिपोर्ट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखिए लिखा गया जनपद वार आवंटन रिपोर्ट, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा अगला पेज खुल गया। अब यहाँ देखिए या तो यहाँ देखिए वित्तीय वर्ष 17-18, जिस भी वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आवंटन माह दिसंबर, इसमें इस समय आपको दो ही महीने का दिखा रहा है, दिसंबर और जनवरी, यहाँ से प्रिंट भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए यूपी के जितने भी जिले हैं सबको यहाँ दिखा रहा है, आप जिस भी जिले से हैं उसको सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करिए। यानी वहाँ आपको क्या करना है, ये जैसे देखिए यहाँ सब जिले दिए हैं, अंबेडकर नगर, अमरोहा, अलीगढ़। तो मैं देखिए यहाँ आजमगढ़ जिले से हूँ तो मैं अपने जिले को यहाँ सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखिए इस पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ आ गया कि आपके जिले में कितने ब्लॉक हैं। तो इसके बाद आप जिस ब्लॉक से हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं देखिए इसमें ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ मैं मिर्जापुर ब्लॉक से हूँ, देखिए यहाँ दिया है। अब मैं मिर्जापुर ब्लॉक पर यहाँ क्लिक करूँगा। अब मिर्जापुर ब्लॉक में कितने ग्राम पंचायत हैं आपको यहाँ देखिए दिखाया जा रहा है, यहाँ कुल 73 ग्राम पंचायत हैं। इसमें आपका जो भी ग्राम पंचायत है उसको चुन लीजिए, फिर उस पर क्लिक करके देख लीजिए कि कोटेदार के यहाँ कितना राशन आता है। तो मैं ग्राम पंचायत कौड़िया से हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कौड़िया में देखिए यहाँ PHH दिखा रहा है ना, यानी पात्र गृहस्थी में कितने कार्ड हैं, 544, अंत्योदय में 35, और यहाँ आप देख सकते हैं कि गेहूँ कितना आया है, 82.44 कुंटल, अंत्योदय में 7 कुंटल। फिर आपका चावल आया है, देखिए ये चावल है 54.96 कुंटल, अंत्योदय में आया है 5.25 कुंटल। तो ये तो आप यहीं देख लीजिए कि हाँ हमारे कोटेदार के यहाँ कितना राशन आया है, और राशन यहाँ दिया है कितने लोगों का आया है ये आप देख चुके हैं कि 544 कार्ड के हिसाब से ये राशन आया हुआ है। आप ये पता भी कर सकते हैं कि इसमें आप पूरा देख लीजिए कि कितने लाभार्थी हैं। तो एक लाभार्थी को 5 किलो अनाज मिलता है, उसके हिसाब से आप निकाल लेंगे कि कितने लोगों का राशन आया है। तो यहाँ दिया ही है कि 544 लोगों का राशन यहाँ दिखा रहा है, 544 ये पात्र गृहस्थी में, और अंत्योदय में 35
कार्ड धारकों को ये राशन आया। तो मैं इस पे अच्छा क्लिक करके देख ले रहा हूँ कि इसमें कितना, यहाँ आप देखिए दिखा दिया। अब मित्रों यहाँ पर जो है आप लोग देख लीजिए कि दुकान संख्या यहाँ दिया है, कोटेदार का नाम दिया है और कुल परिवारों की संख्या पात्र गृहस्थी में 544, अंत्योदय में 35, गेहूं कितना आया है 82.44 क्विंटल, ये पात्र गृहस्थी में, अंत्योदय में 7 क्विंटल, फिर चावल 54.96 क्विंटल आया है पात्र गृहस्थी में, अंत्योदय में 5.25 क्विंटल चावल आया है। तो साथियों अगर आप लोग अपने कोटे पर जाकर चेक करेंगे नेट पे, अगर आपके गांव में 300 लोगों का नाम है तो वहां कोटेदार की लिस्ट में 250 से ऊपर नहीं होगा। वो लिस्ट अब कहां से ले आते हैं आप ही लोग पता कर सकते हैं, वो लिस्ट कहां बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए नेट पे दिखा रहा है कितने लोगों का राशन आया। अगर आप पूरा विवरण जानना चाहते हैं तो मैं एक लिंक और आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो कोटेदार जो है पूरी अपनी लिस्ट बनाकर भेजते हैं कि हाँ हमारे यहाँ इतने लोगों का राशन आया था और इतने लोगों को दे दिया गया, यानी जितने भी नेट पे नाम होते हैं उतने नाम की लिस्ट जो हो बनाकर, यानी जितना राशन आया हो दिखा देते हैं कि वो सब राशन बट गया है। तो ये आपको ये नंबर जो है दुकान नंबर यानी दुकान संख्या इसको याद करना होगा, तब आप पता कर पाएंगे कि हाँ कोटेदार कितने लोगों की लिस्ट बनाकर भेजा है कि हाँ इतने लोगों को राशन बांट दिए हैं। अब तो ये आप जान ही गए कि हमारे गांव में कितने राशन कार्ड बने हैं और कितने लोगों को राशन मिला। तो ये तो जानकारी आप लोग प्राप्त कर चुके, लेकिन अब मैं और भी एक चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि अब कोटेदार के ई चालान को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, उसमें पूरा विवरण आपका दिया रहेगा कि कितने का राशन उठा है, कितने लोगों का उठा है और कितने लोगों को बांटा गया है। वो चालान फार्म में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ आप देखिए ई सिटीजन पे आप जाएंगे, नहीं ई सिटीजन पे नहीं, इसके बगल में है डाउनलोड फार्म। डाउनलोड फार्म पर जब जाएंगे तो आप यहाँ नीचे देखेंगे लिखा गया है उचित दर दुकान ई चालान डाउनलोड, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले अपना जिला चुनना होगा और ये क्षेत्र आपको चुनना होगा, नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। और इसके बाद विकास खंड यहाँ मैं अपना चुनूंगा, तो मेरा विकास खंड है मिर्जापुर। अब देखिए यहाँ दुकान कोड संख्या यहाँ पर दिखा रहा है, कोड संख्या जो है एजेट, अब यहाँ पर उसका नंबर डाल देंगे। तो नंबर मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि वहाँ से आप लोग उसको नोट कर लीजिए कि आपके कोटेदार की जो दुकान है उसका नंबर क्या है, कोड संख्या क्या है। तो यहाँ मैं वो कोड संख्या डाल दे रहा हूँ वो नंबर। इसके बाद आपको देखना है नवंबर के देख लो या दिसंबर, में नवंबर है कि देख रहा हूँ, और यहाँ ये नियमित है, नियमित रहने दीजिए। इसके बाद आप देखें पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद देखिए एक ही कोड संख्या जो है तीन कोटेदारों को मिली है, एक यहाँ देखिए असगड़ा मुस्तफाबाद, कौड़िया कोरौली बुजुर्ग। तो मैं कौड़िया पर यहाँ क्लिक करूँ, यहाँ देखिए कोटेदार का नाम भी है और यहाँ डाउनलोड भी यहाँ देखिए दिया गया कि आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं ई चालान फार्म को। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और अब देखिए ये ई चालान आपका जो है डाउनलोड हो गया। तो
तो दोस्तों इस तरह से आप इसमें अब देख सकते हैं पूरा, इसमें इसको डाउनलोड करके आप देखें और हर महीने की चेक करते रहिए कि कितना राशन आया, कितने लोगों का आया है। तो यहाँ देखिए दिया अंत्योदय में पूरा विवरण आप देख लीजिए, आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। और यहाँ जो पैसा भी इसमें देखिए दिया होगा कहीं पर, कौन सी बैंक है और कितने का राशन आया, ये सब देखिए दिया है। यहाँ देखिए 24,139 रुपये का राशन ये टोटल है, सब चीज़ ये है। तो साथियों अगर आप ये अपने गांव की लिस्ट और ये चालान फार्म ये सब अगर आपको देखना है तो इस तरह से आप लोग मेरे बताए हुए लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी आप लोगों के लिए। तो अगली वीडियो देखने के लिए मेरी, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।